बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, टुडे इज़ आवर टॉपिक ऑफ बॉटनी। इट इज़ मेन फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। पहले बच्चों, हम पिछले कुछ दिनों से जेनेटिक्स डील कर रहे हैं। जेनेटिक्स में हमने बताया है कि जो मेन क्रोमोसोम मटेरियल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, दैट इज़ द क्रोमोसोम। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ाया है कि इन क्रोमोसोम इट इज़ द डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दीज फीचर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम यही बता रहे हैं कि जो डीएनए है इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, जो डीएनए होता है, डीएनए इज़ मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वायर द बैक बोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इन साइड। पहले बच्चों, अब जानते हैं कि जो डीएनए है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। तो जो उसकी बैक बोन होती है, बैक बोन ऑफ दिस इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इट इज़ शुगर फॉस्फेट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई शुगर फॉस्फेट और जो बेस होती है डेयर प्रोजेक्ट इन साइड शुगर एंड फॉस्फेट और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो शुगर और फॉस्फेट होते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय द शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस और हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह से जो शुगर होते हैं या नाइट्रोजन बेस होता है वो एक दूसरे के साथ ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शुगर और फॉस्फेट होते हैं, ये जो दो शुगर और फॉस्फेट होते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी तरह से जो शुगर और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये एक दूसरे के साथ ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है इसमें टू पोल इसमें होते हैं टू पोल न्यूक्लियर चेन्स। दूसरा जो फीचर है, द टू चेन्स हैव इंटर पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ पोलैरिटी 5:3 अदर हैज़ 3:5। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं, अगर एक की पोलैरिटी 5:3 होती है, यानी फ्रॉम 5:3 यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक की पोलैरिटी यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि 5 है, इसका 5 वाला एंड होता है तो दूसरे का है होता है ये एक दूसरे के 3 वाले एंड से मिले होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इस साइड में 5 वाला एंड है तो इस साइड में 3 वाला एंड मिलता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो दो चेन्स होते हैं इनकी पोलैरिटी होती है दैट इज़ एंटी पोलैरिटी, वो एक दूसरे से एंटी होते हैं, उनकी पोलैरिटी एक दूसरे से मुखालिफ होती है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो दो चेन्स होते हैं इसमें दो चेन्स होती हैं उनकी पोलैरिटी जो होती है वो एंटी एक दूसरे की होती है। दैट नाइट्रोजन बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर प्योर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इसमें वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो यहाँ पर होते हैं नाइट्रोजन बेसिस वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे के साथ मिले होते हैं फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो यही फिर बनते हैं डेट और बेस पेयर्स। तो ये बेस पेयर्स बनते हैं जिनको हम शॉर्ट में बी पी कहते हैं। एडनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन। जो एडनिन होता है उसके एडनिन जो होता है एडनिन एक बेस है, इस तरह से थायमिन एक बेस है, इनके दरमियान टू मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड्स एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली गवानिन एंड साइटोसिन, इस तरह से वो दो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक है गवानिन दूसरा है साइटोसिन, उनके दरमियान होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट द पाइरिमिडीन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये प्यूरिन होता है ये हमेशा अपोजिट होता है पाइरिमिडीन के। जनरेटस अप्रॉक्सिमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। इस तरह से हम कहते हैं कि जो उनकी डिस्टेंस होती है दो बेस के दरमियान अप्रॉक्सिमेटली सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं, मिसाल तौर पर यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है,
एक तरफ से थाइमिन है, दूसरी तरफ से एडनिन है, इनके दरमियान जो होती है ये होती है उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो एडनिन और थायमिन के दरमियान होती है इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देते हैं। इसी तरह से गवानीन एंड साइटोसिन, इनमें होते हैं थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हम बता सकते हैं कि इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्यूरीन जो होता है प्यूरीन हमेशा अपोजिट होता है पायरिमिडीन के, इसी तरह से पायरिमिडीन हमेशा अपोजिट होता है प्यूरीन के। तो जो जनरेटेड डिस्टेंस होती है दो बॉर्डर्स के दरमियान देट रिमेनज यूनिफॉर्म और देट रिमेनज सेम। इट इज़ अनदर फीचर ऑफ दिस डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दो चेन्स होते हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं, इस तरह राइट हैंडेड फैशन में है। इस तरह से बता सकते हैं कि दे आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। तो हम बता सकते हैं कि द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3 पॉइंट, जो उनका पिच होता है दो बॉन्ड्स के दरमियान जो पिच होता है इट इज़ 3.4। ये एक इनके दरमियान जो वाला डिस्टेंस होता है डेट इज 3.4 nm, उनके दरमियान एक डिस्टेंस रहती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंड फैशन, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम्स। हम ऐसे कह 34 एंगस्ट्रॉम्स हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम्स और 3.4 नैनोमीटर्स। देर आर रफली 10 बेसिक पेयर्स इन ईच ऑफ देम, जो हर एक मतलब एक होती है कि पिच में होती है इसमें होती हैं 10 बेस पेयर्स, इसमें अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं देट इज 10 इन ईच डोल, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक डोल में इसके अंदर जो बेस पेयर्स होंगे 10 बेस पेयर्स इन ईच डोल। कॉन स्क्वायर ईच इक्वल टू पेयर बेस पेयर अपॉक्स इक्वल टू 0.3 नैनोमीटर्स और 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। द डिजीमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये होती है न्यूक्लियर पेयर होता है या बेस पेयर होता है एवराज इक्वल 0.3 न्यूटन मीटर्स। जो ये बेस पेयर होती है ये होता है 0.34 नैनोमीटर्स और 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। तो डायमीटर ऑफ हेलिकस जो होता है, जो हेलिकस होता है इसकी जो डायमीटर होता है, ये एक हेलिकस है यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमीटर होती है डेट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम्स, उसकी डिस्टेंस होती है 20 एंगस्ट्रॉम्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये टू चेन्स और कॉइल दो दो चेन्स जो होते हैं इसमें राइट हैंड फैशन में होते हैं। द पिच ऑफ हेलिकस जो होता है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम्स होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक हेलिकस में होते हैं 10 बेस पेयर्स। इक्वल 3.0.34 नैनोमीटर्स, जो हर एक न्यूक्लियर पेयर होता है तो ये इक्वल होता है 0.3 नैनोमीटर्स और 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम्स, जो होती है डायमीटर ऑफ हेलिक्स दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम्स। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टेकस ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं, जो एक बेस पेयर का प्लेन होता है वो होता है दूसरे के ऊपर डबल हेलिक्स में, दस इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर भी नहीं, ये होता है कि स्टेबल रहता है, क्योंकि इसमें जो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर होता है स्टेकस ओवर द अदर इन डबल हेलिकल, जो दूसरे के मतलब पर स्टेक रहता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही स्टेबल रहता है। एंड डियर स्टूडेंट्स इट इज सफिशिएंट टू डे। थैंक।